हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? सब दोस्त अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ डाबर वैदिक सुरक्षा टी का रिव्यू। और आज की वीडियो में इसकी मैं आपको फायदे बताऊंगा, यूज करने का तरीका बताऊंगा। अगर आप इस टी का यूज करोगे तो आपकी बॉडी में क्या क्या फायदा होने वाला है, क्या ये कोल्ड कप या थ्रोट इन्फेक्शन में वर्क करेगा नहीं करेगा, और इसकी डोज कितनी मैक्सिमम लेनी चाहिए, उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। सबसे पहले इसकी पैकिंग देखोगे तो आपको जो डाबर वैदिक सुरक्षा टी है, टी बैग वाली है, देखो ठीक है ना। और इसमें जो क्वांटिटी है टी बैग की वो 25 इधर मेंशन है, और वेजिटेरियन ये रहने वाला है, ठीक है। और काफ़ी अच्छी जो पैकिंग आपको देखने को मिलती है। और बात करो इसकी प्राइसिंग की तो आपको इसका जो प्राइस मेंशन है वो है 175, ठीक है ना। तो 150 तक आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी अपने एरिया के अकॉर्डिंग देख लेना। चलो एक बार इसके इंग्रेडिएंट पे नजर डालते हैं। इंग्रेडिएंट इसमें दोस्तों देखो ऊपर भी मेंशन है, तुलसी का यूज़ कर रखा है, काली मिर्च का यूज़ कर रखा है, दालचीनी का यूज़ कर रखा है, और किशमिश का भी यूज़ कर रखा है, मुनक्का, ठीक है ना, और शॉट का भी यूज़ कर रखा है। ये दोस्तों 5 जो हर्बल इसके अंदर यूज़ कर रखे हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। आप इसका यूज़ कर सकते हो, 2 सेशे मतलब 2 टी बैग ये आप पर डे यूज़ कर सकते हो। और इसके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस टी बैग का यूज़ करोगे तो आपको जो गले में इन्फेक्शन है, कोल्ड है, कफ है, थ्रोट इन्फेक्शन है, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देगा। साथ ही आपकी जो इम्यूनिटी है उसको भी ये बढ़ाने में काफ़ी अच्छी मदद करेगा, ठीक है ना। डेली यूज़ में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी इसका जो यूज़ है विंटर में ही करना, अगर ज़्यादा गर्मी हो जाए तो इसको थोड़ा यूज़ करने से बचे, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी सी गर्म है। इसमें मुनक्का भी डाला हुआ है, दालचीनी भी डली हुई है, और काफ़ी इसमें मतलब गर्म गर्म चीज़ें इसमें डली हुई है। इंग्रेडिएंट देखो, दालचीनी हुई, किशमिश हुई, शॉट हुई, तुलसी हुई और काली मिर्च हुई, ठीक है ना। जिन भाइयों को, जिन बहनों को बार बार कोल्ड होता है, जल्दी जल्दी कोल्ड कफ होता है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो उससे माना जाता है कि भी आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक है, जिससे आप बार बार बीमार पड़ रहे हो, आपको बार बार जुकाम, खांसी, गले में इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसको हम लो इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका यूज़ करोगे तो आपके शरीर में दोस्तों ये एनर्जी भी देगा, और जो आपकी जो इम्यूनिटी है उसको भी ये स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी अच्छी मदद करेगा। अंदर से जो बैग है कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, डाबर वैदिक सुरक्षा टी बैग। इसकी जो डोरी है वो काफ़ी लंबी है, लेंथी है, ठीक है ना। और अंदर से जो टी है वो कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। पूरे बार इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ इसमें क्या क्या मिलता है आपको। जब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। मैं आपको इसको खोल के इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको इजीली पता चल जाए इसके अंदर क्या क्या होता है। देखने से तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ क्या पता क्या कुबाड़ से डाल रखा है इसमें, लेकिन इसमें छोटे छोटे पार्टिकल देखोगे ना सारे वही है, तुलसी के पत्ते को ड्राई कर रखा है या ब्लैक पेपर है, और इसमें जो फ्रेगनेंस है वो भी उसी टाइप की है, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत इसमें आपको देखो ये रही, देख रहे हो नहीं, देखो ब्लैक पेपर का ये रही, ठीक है ना। तो इसमें प्रोडक्ट डला भी हुआ है, ऐसा नहीं है मेंशन है। तो इसमें किशमिश तो मेरे को दिखाई नहीं दे रही, दिखाई देगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। अंदर से कुछ इस टाइप का जो देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलो एक बार मैं इसको डालता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, और इसको दूसरा मैं ओपन करता हूँ। इसको आप सीधा अपने जो गर्म पानी है उसमें डिप करना है 2 से 3 मिनट, ठीक है ना। गर्म पानी लेना है, किसी भी कप में ले लो, किसी भी बिकर में ले लो, जहाँ में जैसे आप चाय पीते हो, दूध पीते हो, जिस बिकर में लेते हो, जिस कंटेनर में लेते हो, उसमें गर्म पानी ले लेना उबलता हुआ। तो गर्म पानी में इस बैग को अंदर डिप कर देना, उसके बाद 1 से 2 मिनट उसको छोड़ देना, इस बैग को इसके अंदर पानी के अंदर छोड़ देना, ठीक है ना। उसके बाद जो पानी का कलर है वो एकदम चाय की तरह ऐसे हो जाएगा। मैं खुद अक्सर यूज़ करता हूँ दोस्तों, जब मेरे को कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है या थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस चीज़ का मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा है, रिजनेबल प्राइस है, और डाबर वालों का प्रोडक्ट है, बढ़िया प्रोडक्ट है, वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, ठीक है ना। किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा, या ऑनलाइन भी आप ट्राई करोगे वहाँ भी ये आपको आसानी से मिल जाएगा। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, लव यू और ख्याल रखिएगा, बाय बाय।